एकदम तुम सही काम कर रहे हैं ब्लॉगिंग करने, जल्दी से यूट्यूब पे डाल दूंगा भाई, तू बता दे रियलिटी क्या है खाना का बस। मार्क माय वर्ड, दिस इज द वर्स्ट फूड इन द मेस, राइट इन द मेस। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में रहेगा हमारा सीजीयू का मेस का रिव्यू। मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है और ये वीडियो रहेगा पार्ट टू। तो आज देखेंगे रियलिटी ऑफ मेस, बर्तन कितना साफ है, खाना का क्वालिटी क्या है, पूरा रियलिटी बताएंगे आज। तो चलते हैं लेके, आपको मिलते हैं वहीं पे मेस के। ऑन द वे में ये बास्केटबॉल ग्राउंड भी आता है, यहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह खेलते रहते हैं। अभी तो धूप है यहाँ पे, रात को सब खेलते हैं लाइट वाइट जला के। और ये हमारा मेस, ये और उसके नीचे रिसेंटली बना दिया है केमिस्ट्री लैब छोटा सा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था, अभी 2 महीने पहले बना है। अंदर जाके तो देखा नहीं कैसा है, फिर भी अच्छा ही होगा। तो ये है हमारा मेस का सीढ़ी। ये कुत्ता हमेशा कॉन्स्टेंटली यहीं रहता है, खाने पीने को मिलता है इसको मस्त। मगेन कूपन लेने आ गए हैं भैया, कूपन दे दीजिए। हाँ, अमन कुशवाहा सर्च करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। प्लेट दिखाओ भाई पहले, इसमें से तो आधा प्लेट गंदा ही रहता है ऑब्वियसली, सब मेरे को ठीक नहीं। बर्तन का ऐसा हालत रहता है कि बिना धोए खाया नहीं जा सकता इसको, तो पहले हम लोग इसको धोते हैं उसके बाद खाने लायक। यहाँ पे खाना वगैरह सर्व होता है, मैं खाना दिखा देता हूँ कैसा खाना होता है यहाँ का। राइस हो गया, ये दाल हो गया, ये मिक्स वेज है आज का, और ये राइस, और ये हो गया मछली। यहाँ पे कूपन ऊपन वगैरह देना पड़ता है सब, बिना कूपन के खाना नहीं मिलता। तो चलिए खाना लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। ये है अचार, सच में जैसे कि गाइस को पता ही नहीं है, जल्दी से ले ले। नमक नहीं खाता क्या? नमक नहीं खाता भाई, मुझे भी खाना लेना है भाई। टुडे वी हैव फिश। ओके सो फिश इट इज अगेन, फिश खत्म हो गया अभी तक। फूड रिव्यू लिया है मैंने, लिया है फिश, दाल, राइस और अचार, और मेरे दोस्त ने लिया है मिक्स वेज, इसमें पनीर है और क्या ये सेम चीज है, दाल भात, बस दाल। तो देखते हैं खाने का क्वालिटी के बारे में, अभी खाने के बाद हम बताएंगे आपको, क्योंकि क्वालिटी तो बहुत गंदा ही रहता है। आज एक्सपेक्ट करके आया कि कुछ अच्छा ही होगा, देखते हैं खाने के बाद क्या होता है इसका। भाई गंदा ही होगा, नहीं खाने के बाद बोलेंगे ना कितना गंदा है, सबको पता होना चाहिए ना। बात तेरे पास कोई और रास्ता है? में साफ सफाई तो काफ़ी है, तो चलिए रिव्यू लेते हैं दोस्तों का कि उनको कैसा लग रहा है खाना। हाँ भाई तेरे से ही रिव्यू ले, कैसा लग रहा है भाई खाना बता दे। ठीक है, तू क्या खा रहा है पहले बता दे। देख लो, पता वेज नहीं खा रहा है, खा रहे हैं, हमको पता भी नहीं है। हाँ तो कैसा है, बस जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं। हाँ और जितना आज सबसे वर्स्ट खाना, मतलब देख सबसे कम बच्चे आज ही होंगे शायद, और इतना कम बच्चे में भी इतना गंदा खाना बना रहे हैं। एकदम तुम सही काम कर रहे हैं ब्लॉगिंग करके, जल्दी से यूट्यूब पे डाल दूंगा भाई, तू बता दे रियलिटी क्या है खाना का बस। मार्क माय वर्ड, दिस इज द वर्स्ट फूड इन द मेस, राइट इन द मेस।
अच्छा भी देता है कभी 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 able to digest, देता है क्या? पूछ रहा क्वेश्चन मार्क क्या अच्छा देता है क्या कभी कभी जैसे कि जो लास्ट सेटरडे देता है नहीं अच्छा मुझे याद नहीं कब दिया था मुझे याद नहीं है भाई अच्छा खाना मुझे भी याद नहीं खाना का क्वालिटी इतना कम क्यों है मेस में क्या क्या बोलना चाहते भैया तो हम लोग खाना खा के निकल चुके हैं मेस से तो बात रहा मेरा पर्सनल रिव्यू का कि खाना कैसा है मेस का तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव बहुत गंदा है बहुत गंदा हो गया पहले इतना गंदा नहीं था और ये दुर्गा पूजा चल रहा है बच्चे भी बहुत कम है तो भीड़ भी नहीं है तो ऑब्वियस सा बात है कि कम बच्चे हैं तो खाना अच्छा होना चाहिए था ऑब्वियसली लेकिन फिर भी इतना कम बच्चे हैं फिर भी खाना इतना गंदा बना रहे हैं मतलब क्या हो सकता है पैसा बचा रहे हैं कोई उनका हेल्थ का कुछ कंसर्न नहीं है कि बच्चा कैसे खाना खा रहे हैं कंप्लेन करते हैं बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा ठीक हो जाएगा हम ट्राई कर रहे हैं फिर से वैसा ही खाना होता है तो समझ लीजिए अब आप चीज़ चूज कर रहे हैं तो क्या देख के चूज करते हैं तब खाना ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप रहेंगे कैसे लेकिन मतलब आदत तो हो जाता है फिर आदत हो जाता है लेकिन फिर भी जिंदा रहने खाना पड़ता है मतलब अगर एडमिशन करा लिया है उसका ऑप्शन नहीं रहता है कुछ कितना ऑर्डर करोगे बाहर से ऑर्डर मतलब यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ तुम ऑर्डर नहीं कर सकते बाहर मतलब दिन में रात मतलब पहले ऐसा था कि रात को तुम ऑर्डर कर सकते थे खाना जाके बैक गेट या फ्रंट गेट से ला सकते थे तो अभी ऐसा हो गया है कि तुम ऑर्डर भी नहीं कर सकते रात को अगर तुमको पकड़ लिए खाना लेते वक्त तो तुम्हारे ऊपर फाइन भी लगेगा तो तुमको इधर जितना गंदा खाना दे रहे वही खाना पड़ेगा उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिस भैया भी कुछ कहेंगे अपना दो शब्द मेस के रिलेटेड तो हाँ फिर से बोलो ना क्या है तुम्हारा रिव्यू क्या है खाना मिक्स वेज अच्छा रहता नहीं है दाल चावल खा के आया हूँ मतलब आदत तो हो गया अब चावल भी कभी कभी कच्चा ही रहता है वो नहीं बताएगा मतलब क्या बताए देख कोई आएगा तो एक्सपीरियंस करेगा नहीं नहीं कोई क्यों आएगा वो तो जानना चाहिए ना कि वो कैसा खाना खाएगा आके ऐसा भी तो होगा अच्छा नहीं तो हम लोग अभी खाना खा के जा रहे हैं बैक गेट क्यों जा रहे हैं मेरा एक दोस्त है स्वयं दीप मिश्रा शायद आपने उसको देखा होगा पिछले ब्लॉग में तो अभी यहाँ पे है वो नहीं तो कुछ कर रहा था लैपटॉप हाँ कुछ कर रहा था अलग करके पढ़ाई कर रहा हाँ टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था उसका पार्सल आया वो है नहीं घूमने गया है तो कॉल करके बोला था कि भाई पार्सल ले आना तो उसका पार्सल लेने जा रहे हैं हम लोग बैंक और पार्सल लेके धूप तो है यार मेक श्योर आप इसमें छाता लेके चलो वरना तो नहीं चल रहे भूल गया छाता लेने फाइनली भाई का मिल गया पार्सल लोग दूसरा जगह चला गए थे तो फाइनली भाई का पार्सल हमने ले लिया है कहाँ जाए भाई कुछ खाएगा क्या ठीक है हम जा रहे हैं हॉस्टल क्या ही खत्म करते हैं भाई क्या ही बनाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मेस था मेन था मेस भाई का व्लॉग है वो ले लिया पार्सल ले लिया भाई हाँ ठीक है पार्सल तो मेन था मेस व्लॉग तो देखो वीडियो में जो जो बोला गया है उस बात को समझो अगर आ रहे तो डिसीजन लो खुद हाँ भाई एक नंबर खुद से डिसीजन लेना होता है ये नहीं कि बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया का ब्लॉग देख रहा हूँ भैया को ब्लेम मत करो कोई एक इंसान ऐसा नहीं होगा जो नहीं बोला होगा कि आपका ब्लॉग देख के नहीं आया हो समझ रहा है ये बहुत बुरी बात है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय और हाँ गाइस एक बात और इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय